नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं XMT न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। फिल्म एवं मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थान मारवा स्टूडियो में 13वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य फिल्म इंडस्ट्री की संभावनाओं और इसकी चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, ताकि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले छात्र इसकी अपार संभावनाओं का लाभ ले सकें और इसकी चुनौतियों का सामना कर सकें। 13वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा 2020 के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि समय के साथ सिनेमा ने कई चुनौतियों का सामना किया है, जैसे टीवी कार्यक्रमों की लोकप्रियता, वीडियो डीवीडी की खोज, फिल्मों की चोरी, सिनेमाघरों को बंद करना, इंटरनेट और विदेशी फिल्मों की आसान उपलब्धता आदि। परंतु इन सब बाधाओं के बाद भी आज जनता के लिए मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन फिल्म ही है। कोरोना की वैश्विक महामारी फिल्म इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है, लेकिन ये फिल्म निर्माताओं का जुनून है जिसने हर विषम परिस्थितियों में फिल्म इंडस्ट्री को जीवित रखने के लिए रक्त दिया है। I'm very happy that we've been able to conduct today 13th Global Film Festival Noida 2020, the second day. Yesterday, all the three events were super hit. They were very well attended and excellent reports we have received from all over the world. The best part is that there are about 20 events and altogether 200 people are participating. Around about 500 media houses are supporting this festival and 20,000 family of Marwa Studios is a part and parcel of this festival at one or other time. Well, I once again welcome you to this beautiful festival, the first event of the second day, and I hope you will enjoy and gain some of the finest things what you're looking for from this festival. आफ्ट के पूर्व छात्र फिल्म डायरेक्टर फराज हैदर ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि सिनेमा की उचित शिक्षा और प्रशिक्षण के बिना किसी को भी फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रोडक्शन इंडस्ट्री एवं व्यक्ति के कैरियर दोनों का कीमती समय बर्बाद होगा। इसलिए आगे बढ़ने के लिए उस विषय के बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। जो आप काम पहला करते हैं, या आप असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, या असिस्टेंट राइटर होते हैं, या एक्टर होते हैं, तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट, सबसे पहला चैलेंज जो आता है वो ये आता है कि किस ग्रुप के साथ हम जुड़ रहे हैं, और वो ग्रुप अगर करेक्ट है तो मेरे ख्याल में काफी रास्ते आसान हो जाते हैं, और वही चूज करना वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो आपको आगे का रास्ता दिखाता है। मॉरिशस से आफ्ट के पूर्व छात्र फिल्म निर्देशक सत्येन भरत ने छोटे बजट की फिल्मों और इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर के लिए बजट बहुत बड़ी समस्या होती है। इस वजह से वर्तमान समय में फिल्म बनाना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक एजेंसियां होनी चाहिए जहां हम अपनी फिल्मों के लिए कुछ वित्तीय सहायता ले सकें। I'll speak from the Mauritian perspective of challenges and potentials. See, आप लोगों को तो पता है मॉरिशस कहाँ है, उसका कितना कितना खूबसूरत है, the seasides, the natural scenery and everything. Lot of films have been shot here, काफी सालों से. So the potentials of shooting in Mauritius are there. We have been developing the film industry slowly but surely. चीफ क्रिएटिव डायरेक्टर एंड द FX फैक्ट्री के CEO रमेश मीर ने कहा कि भारत में पर्याप्त फिल्में बनती हैं, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती फिल्मों की मार्केटिंग और बिक्री है। भारत विश्व सिनेमा बाजार का केवल 4% है, 96% का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। आपको अपनी फिल्मों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार को टैप करना होगा, परंतु ये बहुत मुश्किल कार्य है। Biggest problem and the biggest challenge, what I feel today, and your topic is, okay, is that very easy to make a film. All you require is money, a concept, an idea, a story, and then accumulate a unit and make a film, okay? My biggest challenge, I thought, for everybody in this film industry is marketing the films. Once a film is ready, you have to sell it. You have to market it.
ICMEI के जनरल सेक्रेटरी अशोक त्यागी, आफ्ट के डायरेक्टर अल्बेना अब्बास, रेडियो नोएडा 107.4 FM के डायरेक्टर सुशील भारती, आफ्ट के पूर्व छात्र डायरेक्टर मनीष शर्मा सहित कई अन्य फिल्म जगत की हस्तियों ने भाग लिया। जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वोंट से कि प्रॉब्लम आती है, जो चैलेंज आता है जब भी कोई एक राइटर, बिकॉज वी हैव गोन थ्रू दीज सिचुएशंस, ऑफकोर्स मेरे को मौका मिला एंड आई एम लकी टू वर्क विद फराज भाई। और जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऑफकोर्स यू स्टार्ट फ्रॉम बिल्कुल शुरू से। तो जब हम भी ये इस प्रोसेस में थे, तब हम भी, हमारे माइंड में भी पहली चीज आती थी कि आइडिया अनयूजुअल होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ मनीष की बात से कि उसमें बहुत ज्यादा अपने आप को ये करने की आवश्यकता नहीं है, बांधने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया होगा तभी हम फिल्म बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेंट जो है उसकी, उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं स्वयं भी कंटेंट का ही आदमी हूँ। 13वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा 2020 की इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन रिसर्च सेंटर, इंटरनेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग फोरम, इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फोरम और अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म फोरम के साथ साथ आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स का भी समर्थन प्राप्त हुआ। नारायण सिंह नेताजी निवासी गांव भाई पोस्ट ककुआ, जिला आगरा, राज्य उत्तर प्रदेश की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को नववर्ष, लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें एक्सेंट न्यूज चैनल को, और आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और देखें निष्पक्ष खबरें।